प्रदेश में 2024 के लोकसभा चुनावों में मिली हार के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने सरकारी रिक्तियों को भरने और लंबित नियुक्तियों को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने संबंधित चयन आयोगों को प्रस्ताव भेजने और नियुक्त प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए ई प्रस्तावों की सुविधा प्रदान की। इसके साथ ही सीएम ने जनता दरबार फिर से शुरू किया है, जहां उन्होंने बिजली कटौती, महिलाओं की सुरक्षा और अन्य जन समस्याओं को सुना। इन मुद्दों के समाधान के लिए अधिकारियों को समय सीमा निर्धारित करने का भी आदेश दिया गया है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या मुख्यमंत्री के ये प्रस्ताव राज्य की जनता की समस्याओं का समाधान कर पाए? क्या बेरोजगारी और सरकारी नौकरियों में देरी जैसे मुद्दों को सुलझाया जा सकेगा? क्या योगी आदित्यनाथ का नेतृत्व भाजपा को फिर से मजबूती प्रदान कर पाएगा? आइए इन सवालों के उत्तर खोजते हैं और इस घटनाक्रम के व्यापक प्रभावों पर चर्चा करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर न्यूज। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 के बाद जिसमें भाजपा को उत्तर प्रदेश में भारी नुकसान झेलना पड़ा, सीएम योगी आदित्यनाथ ने राज्य में सरकारी नौकरियों को लेकर तेजी से कार्य करने का निर्णय लिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वो सरकारी रिक्तियों को जल्द से जल्द भरें और लंबित नियुक्तियों को पूरा करें। इसके अलावा चयन प्रक्रिया के लिए समय सीमा भी तय की जानी चाहिए, ताकि इसमें देरी ना हो। जैसे कि सब जानते हैं कि लोकसभा चुनावों में बेरोजगारी, सरकारी नौकरियों में देरी और पेपर लीक जैसे मुद्दे भाजपा की सीट और वोट प्रतिशत में गिरावट का कारण बने। भाजपा को केवल 33 सीटें ही मिली, जबकि समाजवादी पार्टी को 37 और कांग्रेस को 6 सीटें मिली। इस प्रकार भाजपा यूपी में बहुमत हासिल करने में असफल रही। ऐसे में चुनावों के बाद सीएम ने जनता दरबार फिर से शुरू किया, जहां उन्होंने बिजली कटौती, महिलाओं की सुरक्षा और अन्य जन समस्याओं को सुना। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि बिजली विभाग के अधिकारी ट्रांसफार्मर की मरम्मत और बिजली ट्रिपिंग की समस्याओं को शीघ्र हल करें और केवल आवश्यकता अनुसार ही बिजली कटौती की जाए। इसके अलावा शैक्षणिक संस्थानों को भी निर्देश दिया गया कि वो शैक्षणिक कैलेंडर तैयार करते समय मौसम की स्थिति का ध्यान रखें और 10 मई के बाद परीक्षाएं ना लें। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वो कल्याणकारी योजनाओं और उनके लाभार्थियों के विवरण मुख्यमंत्री डैशबोर्ड पर दर्ज करें, ताकि उनकी निगरानी की जा सके। उन्होंने ये भी कहा कि ग्रामीण रोजगार योजना MNREGS के तहत मजदूरी का भुगतान करने में कोई देरी नहीं होनी चाहिए। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इन कदमों का व्यापक विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि ये सिर्फ प्रशासनिक निर्णय नहीं है, बल्कि ये राजनीतिक दृष्टिकोण से भी बेहद महत्वपूर्ण है। भाजपा को उत्तर प्रदेश में मिली हार के बाद योगी आदित्यनाथ की ये पहल राज्य में उनकी पार्टी की साख को फिर से मजबूत करने का प्रयास करेगी। मुख्यमंत्री द्वारा जनता दरबार का फिर से शुरू किया जाना भी एक महत्वपूर्ण कदम है। जनता दरबार एक ऐसा मंच है जहां आम आदमी अपनी समस्याओं को सीधे मुख्यमंत्री तक पहुंचा सकता है। अगर ये निर्णय सफल होते हैं तो ये यूपी में भाजपा की साख को फिर से मजबूत कर सकते हैं और राज्य की जनता का विश्वास जीत सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे थे एयर न्यूज़।